संविधान को बदलने की मंशा वापस भारत सरकार ने अपने एक मंत्री द्वारा जाहिर की है वो निंदनीय है और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होने वाली। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर जाकर भारत के संविधान की रक्षा करने की मंशा रखती है और भारत के संविधान को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। किसानों पर भारत सरकार और राजस्थान की सरकार के फैसलों से जो असर हो रहा है उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। विशेष तौर के ऊपर यूरिया की आपूर्ति की जो व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई उसके कारण आज किसानों को, चाहे बाड़मेर का किसान ना राजस्थान का कहीं का भी किसान हो, आज यूरिया की कमी के कारण किसानों को अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है उन लोगों को जो बिचौलिए हैं। उन बिचौलियों को दो साल पहले भी देना पड़ रहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और आज वापस वो की वो क्रम दोहराया जा रहा है जिससे उन घूसखोरों और बिचौलियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देकर उनकी मदद ले सके। ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो नियमों के अंदर लिया गया है उसके कारण हर ट्रैक्टरधारी किसान को ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के अंदर 6200 से 6500 रुपये ट्रैक्टर के मूल्य के हिसाब से 1% तक रजिस्ट्रेशन की फीस का प्रावधान किया है उसके भी हम लोग निंदा करते हैं। 15 साल बाद री रजिस्ट्रेशन के अंदर जो 500 रुपये प्रति महीना की पेनल्टी का प्रावधान किया है उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। इंश्योरेंस पहले ट्रैक्टर का ही हुआ करता था, अब ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली का भी इंश्योरेंस कराने का प्रावधान है, उसके कारण भी हर साल किसान को 2500 से 5000 रुपये तक ट्रैक्टर की कीमत के अनुपात के अंदर इंश्योरेंस के पैसा भी देना पड़ेगा। इससे किसानों को ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। पहले किसानों की स्थिति देश के अंदर सही नहीं है, उनके ऋण माफी और दूसरे न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने की जगह सरकार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे उनको और ज़्यादा कठिनाई है। पीपीपी मॉडल के तहत जो सरकारी स्कूलों को निजी लोगों को दिया जा रहा है उसकी भी हम लोग वर्तना करते हैं, निंदा करते हैं। पहले अस्पतालों के अंदर पीपीपी मॉडल के तहत पीएससी और सीएससी का दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में बाड़मेर के अंदर ही उन तमाम पीएससी और सीएससी के सामने धरना लगाकर उसका विरोध प्रकट किया और दूसरे माध्यम से विरोध प्रकट किया, और आज उन राजस्थान सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। वही चीज़ वापस दोहरा रहे हैं राजस्थान सरकार जो निजी स्कूलों को, निजी लोगों को सरकारी स्कूलें दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े उसकी ओर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह उन सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो न्यूनतम जो जिम्मेवारी है सरकार की किसी सरकार की, उससे भी वो जिम्मेवारियों से पीछे हट गई है। अंत में जो बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है ২০১৩ के अंदर उस रिफाइनरी का शिलान्यास हो चुका है, बड़ी लंबी चौड़ी परंपराएं की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये भारत की परंपरा है कि एक दफे शिलान्यास होने के बाद वापिस उसी रिफाइनरी का उसी जगह वापिस शिलान्यास कराना कहां तक ये उचित है? उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि 4 वर्ष के अंदर रिफाइनरी का निर्माण पूरा हो जाएगा। 4 वर्ष पहले जो रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था अगर उसका काम करते तो आज उद्घाटन का अवसर समय आ गया। अगर उद्घाटन के लिए पूरी रिफाइनरी बनाकर नरेंद्र मोदी जी आते तो हम उनका स्वागत भी करते और धन्यवाद भी करते।
पर रिफाइनरी के शिलान्यास के ऊपर शिलान्यास करने की जो ये प्रयास कर रहे हैं उसकी हम लोग वर्णना करते हैं, निंदा करते हैं। इस रिफाइनरी के संदर्भ में जो विवाद खड़ा किया था वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, तेल हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारी, फिर भी 26% भागीदारी की। मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जो बाड़मेर के अंदर आकर उन्होंने ये बात पूछी थी और जयपुर में इस बात को दोहराया था, मैं वापस उनको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या इस MOU के अंदर 26% भागीदारी से ज़्यादा भागीदारी बढ़ी है? अगर नहीं बढ़ी है तो उनको सार्वजनिक तौर के ऊपर माफ़ी मांगने चाहिए कि हमने ये विवाद किया। ये आखिर विवाद किसके के लिए किया? ये विवाद अपने पूंजीपति सूट बूट वाले पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विवाद किया। मैंने पहले भी ये सवाल किया कि बाड़मेर के क्रूड ऑयल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर 5% बोनस मिल रहा है और भारत के अंदर जब वेदांता एनर्जी ये क्रूड ऑयल बेच रही है तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है या $10 प्रति बैरल का फायदा किसको पहुंच रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के मित्र पूंजीपतियों को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए इस रिफाइनरी को लेट किया गया। रिफाइनरी जो 2013 के अंदर MOU हुआ उसके अंदर साफ इस बात का उल्लेख था कि 4.5 मिलियन टन से ऊपर जितना भी स्थानीय तेल इस रिफाइनरी के अंदर दिया जाएगा उसके अनुपात के अंदर जो लोन इंटरेस्ट फ्री दिया जा रहा है वो कम किया जाएगा। आज बाड़मेर के अंदर लगभग 9 मिलियन टन तेल का उत्पादन हो रहा है, अगर वही अगर हम आधार रखें तो उन कंपनियों को रिफाइनरी के लिए HPCL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान द्वारा जो कंपनी बनी गई है उसको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता नहीं है। दूसरी उस MOU के अंदर प्रावधान थी कि क्रूड ऑयल के दरों के अनुपात के अंदर ये मदद दी जाएगी। उस समय क्रूड ऑयल $165 प्रति बैरल था, आज वही लगभग $45 प्रति बैरल के करीब हो गया, उस अनुपात के अंदर भी वो मदद कम हो रही। इन दोनों प्रावधानों से राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार के उपक्रम HPCL के अंदर मदद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी थी। फिर ये विवाद कर इस रिफाइनरी की जो लागत बढ़ाई गई आज 7,000 करोड़ के करीब रुपए की लागत बढ़ी है, इसकी जिम्मेवार कौन? इसका जवाब वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। इतने दिनों तक रोजगार का सृजन नहीं हुआ, इन बेरोजगार युवकों को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ विवाद कर अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना से ही देश हित के अंदर किए गए निर्णय के संदर्भ में जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं उसकी तहीदगी नहीं होती। सर, जिस तरीके से अगर जो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ने एंड टाइम चुनाव से पहले शिलान्यास किया, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कांग्रेस ने एंड टाइम का इंतजार करने की मंशा से नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी कमियां थी वायबिलिटी के अंदर उस कमियों को दूर निकालने के प्रयास किए और वो दूर निकालकर और उस वायबिलिटी को फ्रिजेबल बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो सभी कमियां दूर होकर और शिलान्यास हो चुका था। कांग्रेस ने तो पूरा प्रयास कर और वो कमियों को दूर कर ही ये शिलान्यास किया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको अधिकार है, हनुमान बेनीवाल जी को भी अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार था, हर किसी को अधिकार है कि लोकतंत्र
व्यवस्थाएं के अंदर अपनी बात लोगों के बीच में रखना, पार्टी बनाकर रखने के संदर्भ में भी या अन्ना हजारा के तौर के ऊपर बिना पार्टी बनाकर भी अपनी बात रखने के संदर्भ में। हनुमान बेनीवाल जी अपनी बात रख रहे, वो लोकतंत्र के अंदर उसको अधिकार दिया गया, संविधान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी को अधिकार दिया गया, वो अपनी बात रख रहे हैं।